सत श्री अकाल, अजीत वैब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ हरप्रीत कौर, तो अजीत खबरों के इस बुलेटिन में सब तो पहला नज़र मारद अज खास खास खबर। रजवाहा टुटन किसानों के खेतों में भरिया पानी, जलंधर में कोरोना का वड्डा धमाका, 71 मामलों की हुई पुष्टि, कश्मीर तो हैरोइन लिया के सप्लाई करने वाला तस्कर काबू, पंजाब में मीह पैण नाल राहत नाल मिली आफत। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा किसान विरोधी आर्डिनेंस का समर्थन करके अकाली दल ने पंजाब के हितों नाल कीता धोखा। ते हुण इन्हां खास खबरों का विस्तार ते कुछ होर अहम खबर। कोरोना महामारी के चलदियां जिथे पहला आंधा तेनू फसल बीजण विच मुश्किलों का सामना करना पिया, उत्थे ही बीती रात तलवंडी साबो के पिंड जज्जल विच मीह हनेरी कारण डिगे दरख्तां नाल रजवाहा टुट गया ते फसलों में पानी भरन नाल किसानों का नुकसान हो गया, जिस लई किसानां ने जिथे नहरी विभाग की कथित लापरवाही कारण बारे दस्या, उत्थे ही उन्हां सरकार तों मुआवजे की भी मांग की। किसानां ने गलबात करदिआं दस्या कि उन्होंने बहुत मुश्किलों नाल अपनी फसल नूं बीजिआ सी, पर नहरी विभाग की लापरवाही कारण रजवाहा टुटण नाल उन्हां दीआं फसलां पानी विच डुब के बर्बाद हो गईआं। तबाह हो गई जी, इतने साढ़ा इतने 5 किले बाण सके जी, सारा तो आ डुब गया जी पानी नाल। पहला 4400 रुपये किले का रेट दे के असी झोना लवाए जी, आ उदू बाद फिर डके मच गए जी, 1300 रुपये लेबर किले की वह दी जी असी। उस तो बाद हुण रात का पानी चली जाता जी, कोई इतने नहरी विभाग का नहीं आता जी। इतने पिछे असी कह रखा जई साहब नूं, कहा जई साहब कहिंदे पहला सूआ बंद करांगे फिर कस्सी बंद करांगे, हुण जी सानूं तां लगता नहीं भी हजे भी बंद होजू, हजे भी पानी का बहाव देख सकते हो तुसीं किन्ना आई जांदा गा, साडा तां जिहड़ा पिछे बाण आ जी ओह भी डुब्बूगा जी। हुण किसान किन्ना नुकसान हो रहा, होर किसान बंद करने वास्ते आए नहीं, आ रहे भी कोई नहीं आ रहा जी। इह कस्सी का पानी जज्जल नूं सारे पिंड नूं लालियाणा पिंड च जांदा जी, कोई बंदा लालियाणे का नहीं आया जी, कोई बंदा जज्जल का नहीं आया गा। असीं करके लोड़ नहीं पानी दी, हाँ जी मीह करके किसी नूं लोड़ नहीं पानी दी, तां करके कोई बंदा पहुँच नहीं रहा इत्थे, बाकी सब दे मोटरां लगियां जी, कोई नहीं आउंदा इत्थे। पहलां बस कस्सी समारी नहीं सीगी उदों टुटदी सीगी, हुण जे समारती तां हुण विच दरख्त डिग डिग के टुटी जांदी आ जी, इह बहुत तकलीफ आई जांदी सानूं तां इहदी, सारा बांड बहुत आई साडा तां। जलंधर जिले में कोरोना के 71 होर मामलों की पुष्टि हुई है, जिस नाल शहर में एक बार फिर दहशत का माहौल बन गया है। उत्थे ही केंद्रीय जेल लुधियाना में 26 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस नाल ही फिरोजपुर में टैसटां दौरान 12 होर व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दूजे पासे बरनाला जिले में पुलिस वालों फड़े गए हवालाती की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने तो बाद पुलिस मुलाजमान में भगदड़ मच गई। हवालाती फड़न वाले थाना धनौला के 4 पुलिस मुलाजम, पुलिस वालों बनाई गई अस्थाई जेल में रखने वाले 13 पुलिस मुलाजमान, जेल में रखे गए 9 हवालातियों क्वारंटीन कर दिया गया है। दूजे पासे तरन तारण जिले में कोरोना महामारी के चलदियां दम तोड़न वाले व्यक्तियों की गिनती 5 हो गई है। गल जेकर जिला मोहाली की की जाए तो इतने कोरोना के 14 नवे मरीज सामने आने नाल जिले अंदर कुल पीड़ित की गिनती 302 हो गई है। अज साढ़े को फरीदकोट लैब तो 69 केस पॉजिटिव सानू रिपोर्ट मिली है, जिन्हां विचों 50 मेल ते 19 फीमेल ने। इन्हां दे विच 47 केस तो पुराने कॉन्टैक्ट सी, पुराने केसां दे कॉन्टैक्ट है, 3 हैल्थ केयर वर्कर है, 4 इंटरनेशनल ट्रैवलर है और 2 जो इंटरनेशनल ट्रैवलर है। जे गल करिए तां एक ही लोकैलिटी तो सानू 17 पॉजिटिव केस मिले ने, जिहड़े कि पहला पॉजिटिव आए एक केस दे फर्दर कॉन्टैक्ट है, 2 दिन पहला केस पॉजिटिव आया सी, उन्हों फॉलो करने तो बाद 17 केस उहदे पॉजिटिव सानू मिले है। और इस तों अलावा 18 आर्मी परसनल भी सब कुछ पॉजिटिव आए ने, जिन्हों 16 नवे तो 2 पुराने केसिस ने। ते नाल सानू 2 केस प्राइवेट हस्पताल तो भी रिपोर्ट हुए हैं। तो जे असी 71 केस काउंट कर लिए 829 दे विच, तां साढ़े कोल अज 900 दी एक फिगर बनती है, पर यह सबजैक्ट चेंज होएगी भी जिहड़े अज पॉजिटिव केस है उन्हां विचों किन्ने बाहरले है। कल तक असी 24,608 सैंपल लै चुके हैं, जिन्हां चों 22,550 नैगेटिव आ चुके हैं, 565 जड़े है रोगी सी उन्होंने हस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अनफॉर्चुनेटली 22 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। कल तक 960 रिजल्ट की वेट असी कर रहे सी।
स्पेशल टास्क फोर्स की लुधियाना यूनिट ने नशा तस्करों खिलाफ चलाई मुहिम के तहत एक नशा तस्कर 205 ग्राम हैरोइन समेत गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दसिया जा रहा है कि यह तस्कर कश्मीर तो हैरोइन लिया के लुधियाना ते आसपास के पिंडों में सप्लाई करता सी। मामले की जानकारी देंदया जांच अधिकारी मक्खन सिंह ने दसिया कि ASI मुनीश रियात को मुखबर ने इतलाह दी सी कि नूरवाला रोड से एक व्यक्ति नशे की सप्लाई देकर आ रहा है, जिस से फौरन कार्रवाई करदया स्पैशल नाकेबंदी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति नु काबू करके उस कोलों मोटरसाइकिल दी डिग्गी विच रखी 205 ग्राम हैरोइन बरामद कर ली गई। शुरुआती पूछ पड़ताल विच दोषी ने दसिया कि वह जम्मू कश्मीर तो सस्ते पाते हैरोइन लिया के लुधियाना ते आसपास दे पिंडां विच महंगे पाते वेच दिंदा सी। जांच अधिकारी ने दोषी की पछाण मुहम्मद इमरान वासी बसंत विहार काकोवाल के रूप विच कीती है। ਇਹਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ASI ਮਨੀਸ਼ ਰਿਆਤ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਰਿਆਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਬਿਆਨ ਮਨੀਸ਼ ਰਿਆਤ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਇਹਦੀ ਸਮੂਹ ਇਹਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਧਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 205 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਕਰੀਬ ਕੋਈ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਿੱਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਰਜ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕਲ ਮਤਲਬ ਲੋਕਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਝੱਖੜ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਝੱਖੜ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਜਵਾਹਿਆਂ 'ਤੇ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਧ ਦੇ ਝੁੱਗੀ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੇਜ਼, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਧਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਐਂ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮਾੜਾ ਗੜ ਗਿਰ ਗਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਤੂਫਾਨ ਕਰਕੇ ਆਟੋ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਮਦਦ ਚਾਹੀਏ। ਹੋਰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਬਸ ਉਹੀ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੈਸੇ ਆਟੋ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵੀ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲਾ ਬਲਬੇੜਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਮਰਦਾਂ ਹੇੜੀ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ 58 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਨਮਿਤ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਦੁਆ ਦੀ ਰਸਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੋਗ ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਭੋਗ ਦੀ ਰਸਮ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब वालों सलीम खान नूं उन्हां नूं श्रद्धा दे करने वास्ते और मैं समझदा कि शहीद एक कौम दा देश दा सरमाया होया और इन्हां दा माण और सन्मान करना बाकी रहिंदे देशवासियों का सरकारां दा साडा सारिआं दा फर्ज उस सन्मान समारोह दौरान उन्होंने सन्मान महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने पंजाब सरकार वालों अपना संदेश भी भेजे और एक परिवार को एक नौकरी और 50 लाख रुपया उस परिवार को राशि मदद और उस शहीद के नाते लैंस नार सलीम खान के नाते जो स्कूल है अपग्रेड करके 5वीं तो 8वीं तक किया गया और उसके नाते रखा जाएगा। श्रोमणी अकाली दल बादल के सबका कैबिनेट मंत्री सिकंदर सिंह मलूका ने आज बठिंडा के गुरुद्वारा साहिब हाजी रतन विखे अपने वर्करां नाल मीटिंग की। इस तो बाद पत्रकारां नाल गलबात करदिआं उन्होंने कहा कि केंद्र ते पंजाब सरकार वालों तेल दीआं कीमतां विच वाधा करन तो बाद आम लोगों लई परेशानी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी लोक हित लई 7 तरीक नूं केंद्र ते पंजाब सरकार विरुद्ध प्रदर्शन करेगी। खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। तेल दीआं कीमतां बहुत ज़्यादा वध गईआं ने, लोगों की पहुँच तो बाहर होंगे जाएँ। तेल के दोषी दोने ने, सेंटर गवर्नमेंट भी दोषी है तो पंजाब गवर्नमेंट भी दोषी है, क्योंकि तेल का जो 1 रुपया कीमत वधी है तो 42 पैसे अपने आप पंजाब के खजाने जा डिगते हैं। ये रले मिले ने दोने, ये कांग्रेसी उन्होंने दोषी ठहराउंदे, दोषी कांग्रेसी भी है। तुसीं घटाओ फिर पंजाब च, इन्हां ने 2 रुपये पहला वधा ले लीटर, मगर वो इन्हां दे कल्यां दे है। जिहड़ी सेंटर वधाउंदा 42 पैसे उहदे च उन्हां नूं आ जांदे आ, रुपया इन्हां ने उदों पहला ला लिया। सो इस वेले जिहड़ियां तेल दीआं कीमतां लोकां दी पहुँच तो बाहर होंदियां जांदियां। मैं मंग करदा कि पंजाब सरकार भी 10 रुपये लीटर डीजल का रेट घट करे तो सेंटर सरकार भी 10 रुपये लीटर करे, दोने 10-10 रुपये लीटर घटाउण। इस वेले जिहड़ा तेल का पंप ते पहुँच रेट है, सारा पंप का भी कमीशन पा के कोई 25 रुपये बनता है, तो 90 रुपये दोनों सरकारां रल मिल के लुट रही, जी लोगों का बहुत वड्डी ठगी। कोई इन तो पिंड कोई धरने लगाए जा रहे? हाँ, सारे पिंड ही कर रहे हैं प्रोटेस्ट, तेल के उत्ते भी, तो नीले कार्ड जो लोगों के कट्टे है। भावें असं हाईकोर्ट रिट करती सी संगरूर डिस्ट्रिक्ट वालों, हाईकोर्ट ने डायरेक्शन करती है कि सारे कार्ड बनाओ जो कट्टे है, सरकार ने एफीडेविट देता है कि असं बनावे, पर असं 2 चीज़ों को लैके, एक नीले कार्ड तो एक ये जो तेल दी कीमतों असी 7 तरीक न पिंड हर शहर। जंगे आज़ादी के सुतंत्रता संग्राम के पहले शहीद बाबा महाराज सिंह के जद्दी पिंड रब्बों उच्ची विखे बाबा जगजीत सिंह हरखोवाल वालियां दी देखरेख हेठ 164वें सालाना शहीदी समागम के भोग पाउण उपरंत खुले पंडाल विच रखवाए गए राज पद्धरी समागम नूं संबोधन करदिआं पंजाब दे सेहत मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू ने कहा कि शहीद कौम दे सरमाए हुंदे ने, जिन्हां दे यादगार दिहाड़े मनाउणे कौम दा फर्ज है। इत्थे आ के बड़ा जिहड़ा उहनां दा इतिहास बारे सुनिया पढ़िया बड़ा अच्छा लगा कि भी इस धरती दे इक बहुत महान योधा इस धरती ने पैदा किया, जिन्हें अज देश की आजादी बहुत डर रूप ने किया। अज इलाके दे लोकां विच इन्नी श्रद्धा है कि भावें लॉकडाउन है तो करोना है, पर लेकिन बहुत वड्डी गिणती लोग है जिहड़े इत्थे नतमस्तक होने वास्ते आए हैं, उन्होंने श्रद्धा फुल लैके आए हैं। तो यहो जे जे योधे होंगे ने उन्होंने जिहड़ियां अमर कहानियां जो साढ़े नवी जनरेशन से सुनावे जां समाज जांदियां ने तो समाज पर इस गल का बहुत वड्डा असर पैंदा है, तो समाज तो बहुत कुछ सीखना है। तो एक जो अज उरे की लॉन्च करके चले जो पिंड लई जो एक असी CHO बनाए ने, एक हैल्थ बैलेंस सेंटर बनाए ने पूरे पंजाब 2950 खोलन का साडा टारगेट हैगा, वो 1900 कुछ खोले जा चुके ने, 1000 हाले पेंडिंग ने। तो ये पिंड की महानता देखते हुए तो पिंड का उसका जो पुराना विरसा देखते हुए मैं एक सेंटर इतने खोलन का अपने इतने ऐलान किया है, तो बड़ी जल्दी उन्होंने असी रूपरेखा देवे तो घट्टो घट 1.5-2 महीने चालू कर देंगे। तीसरा इतों 5 लाख रुपया पिंड की पंचायत को जिते भी मर्जी चाहन अपना खर्च कर सकते हैं CM साहब के कोटे विचों, तो एक जो 90 लाख की लागत का बुत बनना अपने बाबा महाराज सिंह का, वो भी असी जमीन का रजिस्ट्रेशन पै चुके हैं, तो अगली जोड़ा वर्षी तक वह तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। पटियाला दे थाना पातड़ा दे अधीन पिंड धूहड़ दी एक औरत ने अपने 2 बच्चों नूं कमरे अंदर बंद करन मगरों खुद कोई जहरीली चीज़ पी ली। औरत दी पछाण साबका विधायका बीबी वनिंदर कौर लूंबा दे PA दी पत्नी वजो हुई है, जिसनों पिंड दे लोकां वलों इलाज लई पटियाला लिजाया जा रहा सी, जिस दी रस्ते विच ही मौत हो गई।
जानकारी मुताबक इसके पति की एक महीना पहला गोली लगन नाल मौत हो गई सी। पिंड दे एक व्यक्ति राम फल ने दसिया कि गुरसेवक सिंह तूहड़ की 2 जून की रात में गोली लगन नाल मौत हो गई सी, जिस संबंधी उन्होंने शक से कि इसकी पत्नी ते उन्होंने पिंड का एक व्यक्ति उसकी मौत का कारण बने ने, जिस संबंधी उन्होंने वालों एक दरखास्त जिला पुलिस मुखी दी गई सी, जिसकी पड़ताल पुलिस वालों की जा रही थी। थाना मुखी पात्रा गुरदेव सिंह ने दसिया कि मामले की पड़ताल की जा रही है। डेरा बस्सी के नज़दीकी पिंड खेड़ी गुजरां विखे बीते दिन नदी का जहरीला पानी पी के 4 मझां की मौत का मामला हुण पखदा जा रहा है। हलका विधायक एनके शर्मा ने अज पिंड का दौरा करदिआं लोगों नूं विश्वास दवाया कि जदों तक प्रशासन ते प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड नदी विच दूषित पानी सुट्टण वालियां फैक्ट्रियां खिलाफ़ कार्रवाई नहीं करते, वह चुप नहीं बैठणगे। इस मौके पिंड खेड़ी गुजरां दे लोगों ने हलका विधायक नूं ओह थां भी दिखाई जिन्हां राहीं फैक्ट्री प्रबंधक बरसात की आड़ विच दूषित पानी बाहर कढ़दे ने। हलका विधायक ने कहा कि प्रशासन डेरा बस्सी दे पिंड ईसापुर तो भी कोई सबक नहीं लै रहा, जो कि कैंसर की मार चल रहा है। कैमिकल फैक्ट्रियां वालों फैलाए जा रहे प्रदूषण करके सारे नदी नालियां समेत धरती हेठला पानी भी दूषित हो चुका है। आ जड़ा मीट प्लांट ALM उसकी बैक साइड पर खड़ा, तुसी देखो भी 4 बड़े-बड़े पाइप ला के अनट्रीटेड कैमिकल युक्त पानी तो ब्लड जड़ा पशुओं का सीधा आ जमीन आसामलाट ये गिरते हैं, तो यही पानी रस्तिया राही पिंड के नेड़े जाता है। कल मझां ने पानी पी लिया, 4 मझां मर गई, 2 सीरीयस हाँ, 8-10 मझां दे जड़ा ग्लूकोज लग रहा, दवाई चल रही है। और ये पानी कला जानवरों वास्ते जड़ा वो नहीं, बल्कि ये सारा पानी थले जमीन च जाता है, जड़ी खेती नू पल्यूट करता है। और उही फसलों का पानी जो फसलों खाते हैं किसान लोग वो बीमार होंगे। मेरे हल्के च कैंसर के जड़े बहुत सारे मरीज बढ़ रहे हैं, तुसी देखो। पर एडा एडे निरभय आ NGT भी चाहे कोई एक्शन कर ले, तुसी देखो इच्छापुर च नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जिहड़ा किड्डा वड्डा एक्शन लिया, तो कोई असर नहीं इन्हां दे। 57 फैक्ट्रियां बंद कीतीआं सी, 57 कोई चल गईआं, मतलब उस तरह चल रहा। आ ALM वाले सरेआम पिंड वाले नूं दबके मार रहे हैं भी तुसी जो हुंदा कर लिओ, कल नूं खबरां लग गईआं परसों नूं कम मुक जाणा, ना पोल्यूशन बोर्ड वाले, यानी हर महकमा इन्हां तों हिस्सेदारी लेके चलिआ जांदा हैगा, कोई कार्रवाई कोई डिपार्टमेंट नहीं करदे। इस नाल ही अजीत खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। कुछ होर नवीं खबरों नाल फिर तो हाजिर होवांगे, तद तक लई आग्या दिओ, सत श्री अकाल।